तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे इसकी न्यू वीडियो में। हमारा 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। सबसे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैश के जब लाइव आए थे तो बात करते उनके और के अनाउंसमेंट के बारे में, इसी के साथ साथ अल्ट्रॉन के बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। एक्सपीरियंस प्लेयर अल्ट्रॉन लेफ्ट टीएक्स आ गया क्या अनाउंसमेंट, या उसने बोल दिया स्ट्रीम पे? मावी ने बोल दिया ऑन स्ट्रीम। डैम, ठीक है, लेट्स सी। हम ट्राई करेंगे प्लेयर्स उससे भी पूछेंगे, तब देखते हैं। आज वनडे और का पता भाई हो गया है, बस अभी साइन करना है। आज देखते हैं, आज ही होना चाहिए, आज हो जाना। एंड अपने नेक्स्ट उसके बारे बात कर लेते हैं। तो ओशन एंड मावी जब लाइव आए थे तो उनके एक क्वेश्चन आया था, क्या ओशन शर्मा नए कोच हो सकते टी एक्स के? तो उसका रिप्लाई देते हुए दोनों ने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। एक सवाल है यहाँ पर पबजी फैन का, मावी मावी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओशन एज अ कोच एंड एन एनालिस्ट फॉर टीम एक्स पार्क? मावी यहीं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, देख लो गाइस। जवाब आपको मिल चुका है कि स्ट्रीम के बाद। जवाब ये कि स्ट्रीम के बाद जी काफी अच्छे एनालिस्ट है, काफी अच्छे ऑप्शन कोच है। अगर मौका मिले तो थोड़े महंगे हो गए, बात कर लेते। तो सरदार जी जब लाइव आते तो बात करते टीम सोल के बारे में, एंड कभी कभार क्या होता है कि कुछ टीम की स्ट्रेटेजी बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाती है, तो इस चीज के बारे में उन्होंने बात करी। इसी के साथ साथ उन्होंने हाइड्रा को अप्रिशिएट किया एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। सोल का एक बहुत बहुत बेसिक रोटेशन है, जब ईस्टर्न सर्कल आता है सोल का सेकंड स्टॉपेज होता है, पहला स्टॉप है अपना ड्रॉप लूटना, सेकंड स्टॉपेज होता था यहाँ पे पोटेटो हिल, थर्ड स्टॉपेज होता था शटर के डिप्स के राउंड। अब सोल ने इस चीज को चेंज कर दिया, अब कोई टीम अगर पोटेटो हिल के राउंड, जैसे अभी पता स्पोर्ट्स मान लो पोटेटो हिल के राउंड यहाँ पे फिटिंग लगा बैठी कि टीम सोल तो आई गएगी, टीम सोल आएगी नहीं वहां। तो यही चीज है कि तुम्हें ये स्ट्रेटेजी चेंज करते रहना है ओमेगा। मुझे इस चीज में बहुत अच्छा लगता है कि वो नई नई चीजें करता है ट्राई, जेली बहुत सारी नई चीजें ट्राई करता है, तो ये चीजें करते रहनी पड़ेंगी ब्रो, तुम सेम चीज नहीं कभी भी यूज कर सकते। Did you expect Hydra in top 5 when they started the tournament? No. अगर मैं एक honest opinion दो, मैंने सोचा था कि top 10 में आ सकती टीम, क्योंकि मैंने टीम को थर्ड पार्टी टूर्नामेंट अच्छा खेलते देखा था। Over the time, Hydra ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है, Dynamite being a very great IGL, हर एक चीज को सही तरीके से कैलकुलेट करना और हर बार सर्कल से बाहर रहना कि वो सर्कल के अंदर अपनी टीम को कवर दे। देखो कुछ टीम्स के पैटर्न है, मैंने हाइड्रा का एक पैटर्न बताया था कि हाइड्रा के डायनामाइट हमेशा पीछे रहते हैं, तीन प्लेस को आगे छोड़ते हैं। एक दो का पैटर्न है कि 1-3 स्प्लिट पे रोटेट करती है, ओआर का पैटर्न है कि 1-3 स्प्लिट पे सर्कल पकड़ती है, फिर सर्कल के अंदर 1-2-1 स्प्लिट पे फैलती है। कुछ टीम्स हैं जो कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स यूज करती हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दोस पैटर्न्स एंड तुम उसके अराउंड स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो। तो ये भी कुछ चीजें जो तुम कर सकते हो, ठीक है। हर टीम के पास अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, तरीके होते हैं। एंड अपनी नेक्स्ट उसके बारे बात कर लेते। तो सेंसी जब लाइव आए थे तो बात कर रहे थे हेट के बारे में, इस पर उन्होंने बड़ा मेच्योर रिप्लाई दिया था एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। ऑडियंस को समझ ही नहीं आता जब मेरा बार में चिकन थ्रो हो गया था एक्सो को, तो सब चैट में हंस रहे थे, ट्रोल कर रहे थे। देखो मैं बताता हूँ, कुछ लोग होते ना कि उन्हें बस दूसरों की गलती या दूसरों के हारने पर खुशी मिलती है, ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे सुनने में अजीब लग रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हाँ उन्हें अच्छा लगता है अगर कोई और टीम हारे या जीते। चलो एज अ कॉम्पिटिटर, अगर कोई और टीम, मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर टीम है वो अच्छा नहीं खेलते, मुझे एक बार को अच्छा लग सकता है क्योंकि मेरे जायज है, मेरा सीधा करेक्शन है उनसे। लेकिन आप बहुत सारे सपोर्टर्स या ऑडियंस ऐसी होती है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि ट्रोल करते हैं विदाउट एनी रीजन, और जो कि गलत है, समझ रहे हो। और मुझे पता है जो हमारे सपोर्टर है एक्सो के वो ऐसे नहीं करते, और आई होप आप कोई करता भी होगा तो भाई मत करो, क्योंकि इन सबका कोई फायदा नहीं है, मैं हजार बार बता चुका हूँ। बस पॉजिटिविटी फैलाओ यार जितना हो सके, बस मैं इतना ही बोलूंगा। और बाकी अगर हमें ट्रोल करो कोई दिक्कत नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे पता है बहुत कम लोग हमें ट्रोल करते हैं, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाले जितने भी ना भाई दिल से सपोर्ट करते हैं, इतना मैंने देखा है। अपने नेक्स्ट उसके बारे बात कर लेते। तो रुशिंदर सिन्हा जब लाइव आए थे तो बात करते थे ग्लोबल स्पोर्ट्स के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, एंड इसको एक्सप्लेन करते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। एनी प्लान्स ऑन एकेडमी रोस्टर जस्ट लाइक सेंटिनल? प्रोबेबली नॉट राइट नाउ, पहले जो मेन रोस्टर है वो थोड़ा इंटरनेशनली उखाड़ ले, देन वी हैव सम प्लान्स, मे बी बाय ऑगस्ट या सेप्टेम्बर वी विल बी लुकिंग एट डूइंग एन एकेडमी रोस्टर। Where do our funds come from? Various places. So we raised our first round, our seed round of funding in 2018-2019 from VCs.
And now we had offers from other VCs. The last 2 years we've had a lot of offers. Honestly, we don't know. We're kind of like stuck in between. Hum soch rahe hai ke fundraise kare, nahi kare. We're doing a good amount of revenue. We could obviously do better, and there's always new things that we can do, and always we can grow and do better. But see, like I said, our goal is very, very singular. Like, at least mera goal. I won't generalize for everyone in esports. Mera goal, personally, is to build the world's biggest gaming company. Like, period. Not India's best esports company, not Asia's biggest esports organization, not the world's best esports organization. My goal is to build the world's biggest gaming company. Period. Like, that's singular goal. Abhi usme ek saal lage, 10 saal lage, 50 saal lage, 100 saal lage. Even if it happens after I die, I don't care. Global esports one day will be the world's biggest gaming company. Like, that is my singular focus. And I may not be around, but Global Esports is going to be the world's biggest gaming company. Like, you want, put this in writing right now, because that's my goal. So it's just on a personal level, whether I didn't say I want Global Esports to be the richest company, right? Money does not play a role in this. Money has zero role in my life or in the company. Because the goal is very simple. Global Esports has to become the world's biggest gaming company. एंड अपने नेक्सस के बात कर लेते हैं, तो गॉडल गुरु जब लाइव आए थे तो वो बात कर रहे थे इंडिविजुअल गेम्स के बारे में, सोलो गेम प्ले के बारे में. इसी के साथ साथ उन्होंने टीम सोल के बारे में बात करी, एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. बूट कैंप डेट 16 तक होगा, आई थिंक सो, क्या पता. बहुत अच्छे अच्छे बंदे थे कम्युनिटी में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट अब वो नहीं रहे. अच्छे संस्कार भाई, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर. सोलो गेम वाले बहुत अच्छे अच्छे बंदे थे पहले. कुछ दिन चलते हैं सोलो गेम वाले और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए सोलो गेम तो बिल्कुल ही मत करना. टीम के साथ खेलने वाला ऐसा गेम प्ले तुम अभी सुने थे ना वो आई एम सोल वाले वीडियो में, कि वो बोल रहा था कि अक्षत को सबने गाइड किया और जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अक्षत किया. उतना ट्रस्ट उतना तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, बट ट्रस्ट होना चाहिए अपने टीम पे. तुमको पूरा अंधा ट्रस्ट. एंड अपने नेक्स्ट उसके बारे में बात कर रहे थे, तो सरदार जी जब लाइव आए थे तो एक चीज़ लोगों को समझा रहे थे कि हमेशा एक टीम नहीं जीत सकती है, बात हमेशा कंसिस्टेंसी की होती है. एंड इस पर रिप्लाई देते हैं जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. आज सोल फैंस अगर ओआर ग्रुप ए में के साथ ज्यादा चिकन निकाले तो सोल से क्यों नहीं हो रहा चिकन ग्रुप ए में, सब अच्छी टीम्स है. भाई बात चिकन की है ही नहीं, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस स्टफ. ये चीज कब ऑडियंस सोचना बंद करेगी कि हर बार एक ही टीम नहीं जीत सकती. तुम्हें क्या चाहिए? टीम सोल 48 मैचेस है टोटल, 24 पर टीम जाता है ना, कितने जाते हैं पर टीम, सारे जितने मैचेस पर टीम जाते हैं सारे के सारे सोल चिकन निकाल ले. तुम्हें ये चाहिए क्या? तुम्हें ये चाहिए? ऐसा नहीं होता ना भाई, हर एक टीम अच्छा खेलेगी. व्हाट मैटर्स इज तुम पोडियम फिनिश करो कि नहीं, तुम टॉप थ्री, पोडियम मतलब टॉप थ्री में आ रहे हो कि नहीं. क्योंकि अगर तुम हर बार टॉप थ्री में आ रहे हो और एक आधो गेम चलो ऊपर नीचे हो जाती है, तुम एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लोगे. ठीक है, बैलेंस क्रिएट कर लोगे एंड टॉप पे आ जाना बड़ी बात नहीं है. तुम एक अच्छे मैच खेल के टॉप पे आ सकते हो, बट टॉप को मेंटेन करना बड़ी बात है. इवन ड्यूरिंग माय कास्टिंग टाइम आल्सो मैं यही सेम चीज बोलता हूं. सोल टॉप पे बैठी है, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप, मेंटेन कर रही है. ओआर टॉप पे बैठी, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप, मेंटेन कर रही है. एक्सो टॉप पे पहुंची है जंप करके, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेंटेन इट. तो व्हाट मैटर इज तुम बैलेंस क्रिएट करो अपनी टीम के अंदर और तुम मेंटेन करके रखो खुद को टॉप पे. हर बार चिकन निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट. मैं चैट में देखती होता किसी टीम का इतने आगे थर्ड फोर्थ पे फिनिश जाती है तो भाई गालियां देना शुरू कर देंगे और अजीब अजीब चीजें. क्या लॉजिक है इसका? क्या लॉजिक है मेरे को समझ नहीं आता, क्या लॉजिक है? मतलब भाई इसीलिए जो बंदे गालियां देते हैं वो गालियां ही दे सकते हैं और जिन्हें खेलना वो खेल रहे हैं बैठ के. अपनी नेक्स्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो रेगल्टॉस जब लाइव आए थे तो बात करे थे उनके ईस्पोर्ट्स टीम के बारे में. उन्होंने बताया कि वो अभी स्क्रीम्स खेलने वाले 4HM से, एंड उनकी वो वाली क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. टीआरपी का कोई फ्यूचर टूरी लव एंड सपोर्ट ऑलवेज, टीआरपी का कोई फ्यूचर टूरी नहीं है, 4HM का फ्यूचर टूरी है. 4HM के नाम से मैं खेलूंगा अभी कॉम्पिटेटिव थोड़ी देर तक. 30th को एक टूर्नामेंट है उस पे खेलूंगा, लेट्स सी क्या लाइनअप रहता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है. तो 4HM मेरे को पता है, मैंने आज प्रॉमिस किया था स्क्रीम्स खेल लेगा, बट मैंने जो भी आज मेरे स्क्रीम से जो हमने टूर्नामेंट लिया हुआ था वो थोड़ा पोस्टपोन टाइप कुछ सीन हुआ, तो वो अभी नहीं है, वो कुछ दिनों बाद है, उसका डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलने का अपने को, तो इसलिए नहीं खेल पाए. जो लोग पूछ रहे थे यार प्लीज कॉम्पिया कुछ करो, इट्स बीच भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार. अब BMPS में डायरेक्ट तो घुस नहीं सकता, खत्म होने दो जब तक, यहाँ वहाँ हाथ मार रहे हैं जहाँ तक जा सकता है हाथ. भाई स्क्रिम्स क्यों नहीं खेल रहे आफ्टरनून में? खेलेंगे ब्रो, मैं आज भी पूछा था बट जो खेलने वाले थे वो नहीं था. 4HM रहेगा, इट बीट रहेगा, कब आएगा? नहीं आएगा 4HM. यस ब्रो 4HM से है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेगा एंड न्यू रेगा इन कॉम्पी? इन कॉम्पी कोई डिफरेंस नहीं है ब्रो, पहले वाला भी नहीं बोलता था, ये वाला भी नहीं बोलेगा। एंड बस आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा 32,000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करवा देना।